दोस्तों, आज हम 21वीं सदी के नए युग में जी रहे हैं, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ हमारा बचपन, वो यादगार समय, वो सुनहरा दौर, वो एक युग जो हमने जिया था, जो आज के मोबाइल के युग से लाख गुना बेहतर था, उसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने सन 2000 के दौर में उस युग को जिया था। बाकी आज की जनरेशन को तो इंस्टा, FB और नेटफ्लिक्स इन सबसे फुर्सती कहाँ है। आज की पीढ़ी क्या जाने जो गोल्डन टाइम उन दिनों हमने जिया है, वो टाइम कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो चलिए आज आपको 20 साल पहले ले चलते हैं और जानेंगे कि आज के मुकाबले सन 2000 में महंगाई कितनी थी, किसी भी वस्तु की कीमत कितनी थी और आज कितनी हो गई है। आज की वीडियो देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि 20 साल पहले जिस दौर को आपने जिया है, वो शायद आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम था। आप लोगों में से जिसने उस दौर को जिया है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको उस समय में और आज में क्या फर्क नजर आता है। तो चलिए चलते हैं लेकर आपको आपके गोल्डन टाइम में वापस। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये दौर आज के समय के मुकाबले धीमे जरूर था, लेकिन लोग उस दौर में बहुत ही खुश हुआ करते थे। चीजें सस्ती हुआ करती थी और सब मिलजुल कर रहते थे। आज से 20 साल पहले वाला दौर आजादी के बाद का सबसे सुनहरा दौर था। बात ज्यादा साल पुरानी नहीं है, बात महज 20 साल पहले की है, लेकिन इन 20 सालों में महंगाई में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अगर बात करें महंगाई की, तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। 1997 में पेट्रोल 23 रुपए लीटर था और डीजल 8 रुपए प्रति लीटर था, और आज के समय में दोनों 100 के पार हो चुके हैं। और अगर बात करें सोना यानी कि गोल्ड की, तो सन 2000 के आसपास 10 ग्राम सोने की कीमत महज 5000 रुपए हुआ करती थी, और आज के टाइम में ये बढ़कर तकरीबन 50,000 इंडियन रुपए हो चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे घर में रोज लगने वाले राशन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी है। भारत में साल 2000 में 1 किलो चीनी की कीमत महज 8 रुपए से लेकर 15 के बीच में हुआ करती थी, जबकि आज के समय में ये 40 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रही है। गैस सिलेंडर यानी कि LPG सिलेंडर, जो आपके रसोई घर में हर रोज खाना बनाने के काम आती है, मोदी सरकार ने हर गांव के घर घर तक हर सुविधा पहुंचा दी है, और उसमें सबसे जरूरी चीज थी LPG। लेकिन LPG दिन बर दिन महंगी होती जा रही है। सन 2002 में भरे हुए सिलेंडर की कीमत 240 के तकरीबन हुआ करती थी, जो कि आज 1000 से भी ज्यादा हो चुकी है। बस एक ही चीज है हमारे देश में जिसके दाम ना के बराबर बढ़ते हैं, और वो है इंडियन नमक। लेकिन अब धीरे धीरे नमक के दाम भी बढ़ने लगे हैं। 20 साल पहले 1 किलो नमक की कीमत 1 रुपए से 5 रुपए के बीच में होती थी, जो कि आज 30 रुपए तक पहुंच गई है। प्याज यानी कि अनियन, प्याज को किचन का किंग कहा जाता है। इसकी कीमत को लेकर सरकारें भी गिर चुकी हैं। प्याज ही है जिसकी कीमत कभी 2 रुपए किलो हुआ करती थी, तो कभी 80 रुपए किलो। 20 साल पहले 1 किलो प्याज की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में हुआ करती थी, जबकि आज ये 60 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। आज के 1 लाख रुपए उस वक्त के 10,000 रुपए के बराबर है। जो फीलिंग उस वक्त नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी के कीपैड मोबाइल चलाने में मिलती थी, वो आज के रियलमी, वीवो और ओप्पो जैसे स्मार्टफोन में भी नहीं आती। आज से 20 साल पहले लोगों की इनकम बहुत ही कम हुआ करती थी, लेकिन आदमी के दिल को सुकून था, शांति थी, चैन था। देखिए, विज्ञान हमें कहां से कहां ले आया है। आज से 20 साल पहले सबके पास RO नहीं हुआ करते थे, तब भी कुएं का पानी पीकर लोग 100 वर्षों तक जी लेते थे, जबकि आज 40 वर्ष में ही लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। आज के बच्चों का बचपन तो बस मोबाइल फोन्स में ही सिमट कर रह गया है। आज से 20 साल पहले का जो बचपन था, उसकी बात ही अलग थी। वो दिन भर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, सबके साथ स्कूल पैदल जाना, वो भी क्या दिन थे जब पूरे मोहल्ले में बस कुछ ही लोगों के घर पर टीवी हुआ करते थे, जिसमें सब आसपास के लोग मिल बैठकर टीवी देखा करते थे। आज की जनरेशन को क्या पता कि उस वक्त
टीवी हमारे लिए क्या हुआ करता था, आज तो सिर्फ हॉटस्टार नेटफ्लिक्स में ही जिंदगी सिमट कर रह गई है। आज बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बड़े बड़े सीरियल्स बनते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं जो हमारे समय में शक्तिमान और अलिफ लैला जैसे शो में हुआ करती थी। जिनका जन्म 1990 से पहले हुआ होगा उन्होंने ये सब चीजें जरूर देखी होगी। आज के दौर में सुख सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं, लेकिन इंसान का सुकून इन सब में कहीं खो गया है। आज जीवन में हर चीज महंगी है, बस सस्ती है तो इंसान की जान। पहले एक आदमी आराम से 10 लोगों का पेट भर सकता था, लेकिन अब एक आदमी को 2 लोगों का पेट भरना भी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इस महंगाई का कारण सरकार है या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज से 20 साल पहले लोगों की इतनी जरूरतें नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। 20 साल पहले सब एक साथ एक ही घर में रहते थे, सिर्फ त्योहारों पर ही कपड़े खरीदे जाते थे और पूरे साल उन्हीं कपड़ों को पहना जाता था। बाहर का खाना नहीं हुआ करता था, छुट्टियों में सिर्फ मामा और बुआ के घर ही जाया करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इंसान की कमाई कितनी भी हो वो भी कम पड़ जाती है। वो दौर इंडियन सिनेमा, क्रिकेट और पॉलिटिक्स के लिए गोल्डन एरा था, क्योंकि उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे। आज ये सब कुछ आपके हाथ में मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध है। आज ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया इस मोबाइल के अंदर सिमट कर रह गई है। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, बस एक SMS करके अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। हम इस बदलाव को बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और बदलाव हमेशा ही समय की मांग रहा है। अगर हम वक्त के साथ ना बदले तो समय से पीछे रह जाते हैं, इसलिए ये बदलाव भी जरूरी था। आज भारत के किसी भी कोने में रेलवे स्टेशन को देखिए, 20 साल पहले के रेलवे स्टेशन में और आज के रेलवे स्टेशन में जमीन आसमान का अंतर है। आज का समय स्पीड का पीरियड है, इसीलिए पहले से बेहतर और चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर्स का आना जरूरी था। पहले दूसरे देशों से लोग भारत में सिर्फ ताजमहल को देखने आते थे, लेकिन आज भारत में इतने सारे दार्शनिक स्थल हैं और उन तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि हर जगह से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को जोड़ दिया गया है। भारत का हर क्षेत्र आज आधुनिक हो गया है, जो आज से 20 साल पहले नहीं था। आज इंडिया के पास आधी से ज्यादा ऐसी वस्तुएं हैं जो मशीनों से बनाई जाती हैं और जो भारत में ही तैयार की जाती हैं। लेकिन फिर भी इंसान कल के चक्कर में अपने आज को खो रहा है। हमने आपको जिस वक्त की बात बताई वो इंसान की इंसानियत का दौर था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।